हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक एंड्रॉयड का स्टूडियो है। इस वीडियो में देखेंगे कि हम एंड्रॉयड का स्टूडियो कैसे रीसेट करते हैं, इसका जो फैक्ट्री डेटा रीसेट है कैसे करते हैं। ये हमारे पास एमटीके प्लेयर 8227L सीरीज का एमटीके प्लेयर है, देखते हैं इसको कैसे रीसेट करते हैं। तो सबसे पहले हम एप्स पे क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, बीच में जो है थीम, देन उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, देन मोर सेटिंग, फैक्ट्री सेटिंग के बाद मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, देन सिस्टम सेटिंग, क्लिक ऑन सिस्टम सेटिंग। यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, रिस्टार्ट का और क्लियर डाटा का। ये रिस्टार्ट नहीं करना है, हमें करना है क्लियर ऑल डाटा रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग। तो क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे, देन रिस्टोर द व्हीकल सेटिंग ऑफ द व्हीकल, इस पर क्लिक करेंगे नीचे, देन क्लियर ऑल। जैसे क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फैक्ट्री डाटा रीसेट हमारा हो रहा है। इसके आपके केस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमने थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये हमारा देखिए रीसेट होके हमारा प्लेयर रीस्टार्ट हो गया है फिर से। ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से फैक्ट्री डाटा रीसेट हो गया इसका। तो अगर अन्य प्लेयर में ही आपको TS7 हो गया, T5 हो, या फिर अन्य कोई MTK प्लेयर को कैसे रीसेट करते हैं, हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप जाकर वहाँ चेक कर लेना। कुछ प्लेयरों में रीसेट करने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, तो नीचे लिंक में दे देंगे, आप जाकर देख लेना। तो इस तरीके वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।